सिलवासना जिला विकलांग पुनर्वसन केन्द्र में केन्द्र सरकार सामाजिक न्याय अने अधिकार मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों ने साधन सहाय आपवामां आव्या हता। सिलवासमा जिला विकलांग पुनर्वसन केन्द्र खाते संघ प्रदेश आरडीसी चारमी पारेख सहित अधिकारी उपस्थिति में योजायेला आ कार्यक्रम में केन्द्र सरकार सामाजिक न्याय अने अधिकार मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों ने कृत्रिम पग चेर ट्राइसिकल हेरिंग एंड सहित साधनों वितरण करवामां आव्युं हतुं। જેમાં મોટી સંખ્યામાં દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓએ આ સરકારી સહાય સાધન મેળવવાની યોજનાનો લાભ લીધો હતો। એક્ઝામ્સ બહોત હી અચ્છે સે કરેંગે, યુ વિલ કમ આઉટ વિથ ફ્લાઇંગ કલર્સ, ઉસકા મુજે પૂરા ભરોસા હૈ, ક્યુંકિ રેડ ક્રોસ સ્કૂલ મે જો સબ લોગ કી મહેનત હૈ, યહાં પે ટીચર્સ કી જો સ્પેશિયલી મહેનત હૈ ઓર સાથ સાથ મે આપકી મહેનત હૈ और आपके पेरेंट्स की कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा मेहनत है कि आपको रोज़ यहाँ पे स्कूल भेजते हैं। हमारे ऊपर इतना विश्वास उन्होंने रखा हुआ है कि वो यहाँ पे आप सबको भेजते हैं, हमारे हवाले करते हैं कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाइए और उनको इस काबिल बनाइए कि जब बड़े होंगे वो कुछ ना कुछ हुनर से या तो कुछ ना कुछ अपनी एबिलिटी से वो आत्मनिर्भर हो पाएंगे। तो आप एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, यहाँ पे जितने भी छोटे बच्चे हैं, जितने नए नए हमारे एडमिशन्स आते जाते हैं, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जो एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, जो नए एडमिशन लेके बच्चे आ रहे हैं और इतने एडमिशन्स क्यों बढ़ रहे हैं? आपको शायद ये भी पता होगा कि वलसाड से भी लोग आते हैं, वापी से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, बस बन चुका है टीचर्स की मेहनत की वजह से और आप सब लोग की मेहनत की वजह से। लास्ट ईयर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था हम सब लोग का और मैं इस बार भी आशा करती हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा आप अच्छा करेंगे। और देखिए, ये तो सिर्फ ज़िंदगी का एक ही पड़ाव है, एक शायद पहला ही पड़ाव गिन लीजिए, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपना बचपन याद आता है, हमेशा पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा 10th क्लास में मेहनत कर लो, उसके बाद फिर 2 साल अच्छे से आराम से चलाके फिर वापस से 12वीं के लिए उससे ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर 12वीं में बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते थे, फिर बताया जाता था कि अब थोड़ा चलो इंजीनियरिंग में या जो भी आप बैचलर्स कर रहे हो उसमें थोड़ा मेहनत कर लो तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, तो नौकरी के लिए मेहनत करते थे। फिर ऐसा बोला जाता था कि अच्छा एक बार तुम्हारी कैंपस प्लेसमेंट हो गई तो फिर प्लेसमेंट के बाद तो आपकी लाइफ सेट है, फिर तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उस टाइम पे तो किसी ने नहीं बताया था कि लाइफ रोज ही स्ट्रगल होगी और रोज ही 10th के एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो ये आप सब लोग का फर्स्ट पड़ाव है, उसी तरीके से सोचिए क्योंकि आप अब एक मैच्योर कैटेगरी में एंटर हो रहे हैं। तो सारे बच्चे जो मैच्योर कैटेगरी में आ रहे हैं उनको ना केवल एग्जाम्स के लिए बट मैं लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ और आप सब लोग बहुत ही अच्छा करेंगे ये एग्जाम्स में एवं ये लाइफ में, इसका मुझे पूरा भरोसा है। तो आप सब लोग का ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी, एग्जाम्स आ रही है, पढ़ाई पे ध्यान देना है और थोड़े समय के लिए मस्ती भूल जानी है। शुभार देने हेतु हमारे बीच सेवा साहब की आरडीसी मैम आदरणीय चारमी मैम उपस्थित रही हैं, बहुत ही व्यस्तता उनकी रहती है, हम देखते हैं हमेशा, लेकिन मैम ने जैसे कहा था कि मैं शाम 11 बजे आ ही जाऊँगी तो वो आई गई है, उसके लिए मैम आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैम का जो कीन ऑब्जर्वेशन रहता है, हर बारीकी से मैम जो काम करना चाहती है, तो इसके परिणाम स्वरूप ही ये सारी चीज़ें हमारे ये रेड क्रॉस स्कूल के लिए हो रही है। हमेशा मैम का एक नज़रिया जो है एजुकेशन की तरफ भी बहुत अच्छा रहा है, तो उसके बदौलत मैम ने कहा कि ये आज बच्चों को मिलने के लिए डेफिनेटली आना चाहेंगी। तो मैम को फिर से मैं हम सब की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा और जो बच्चे 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं उनको भी मैं शुभेच्छा और शुभ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति हुई है और मैं रेड क्रॉस DDRC की सुपरिटेंडेंट हूँ और रेड क्रॉस स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। और आज हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा था, जैसे हम सब जानते हैं कि 10th बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो बच्चों को ऑल द बेस्ट करने के लिए ताकि वो अपनी एग्ज़ाम जो आने वाले एग्ज़ाम है वो अच्छे से दे सके। और इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि चारमी मैडम RDC सिलवासा एवं एजुकेशन ऑफिसर बलवंत
प्रिंसिपल सर यहाँ पर उपस्थित रहे और उन्होंने आशीर्वचन दिए बच्चों को कि ये एग्ज़ाम जो है ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ करना है, आगे बहुत सारे अवसर मिलती है ताकि हम कुछ कर पाए, बच्चे कुछ कर पाए। क्योंकि जैसे हम सुनते हैं कि काफ़ी एग्ज़ाम होता है तो बच्चे टेंशन में रहते हैं, पेरेंट्स का भी टेंशन लेते हैं, तो वो टेंशन ना लें बल्कि आराम से पढ़ें और जो एग्ज़ाम जो पढ़ाई किया है वो अच्छे से लिख के आएँ तो आगे हमारी सरकार की तरफ से काफ़ी सुविधा है। अगर कोई बच्चे अगर आगे अलग अलग लाइन चूज कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और इसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। और इसके साथ साथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, जो दिव्यांग भाई और बहनों लोग यहाँ पर आते हैं डीडीआरसी में, और ओपीडी बेस पे उनकी जो हम ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं या उनको जो साधन सामग्री की ज़रूरत है जिसके तहत वो लोग वो साधन को इस्तेमाल करें और स्वयं निर्भर हो सके, उस तरीके से हमने उनको ट्रेनिंग वगैरह और जो वर्कशॉप है हमारे वहाँ पर वो आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह कैलिपर वगैरह बनती है ताकि उनकी डिफॉर्मिटी को कुछ हद तक हम सही कर पाएँ और उनको इंडिपेंडेंट कर पाएँ ताकि वो अपने से चल सकें। तो इस प्रोग्राम में करीब 52 एड्स एंड अप्लायंसेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया आज, और सभी दिव्यांग भाई बहनों को ये मैसेज देना चाहते हैं, उनको जो भी तकलीफ है डीडीआरसी में ओपीडी में आ सकते हैं और उनको जो भी चीज़ें ज़रूरत है यहाँ पर, चाहे थेरेपी सर्विसेज हो और चाहे साधन सामग्री हो और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट हो, ये सारा चीज़ हम उनको यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं। धन्यवाद।